तो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने वाले हैं जिन्हें आप अगर घर में लगाते हैं तो वास्तु दोष का निवारण हो जाता है, साथ ही साथ आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहती। तो इस लिस्ट का पहला पौधा है तुलसी का पौधा। आप अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। शाम के टाइम इसमें एक दीपक जलाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, साथ ही साथ इसमें जल बराबर देते रहें ताकि ये पौधा दिन दूनी रात चौगुनी आपके यहाँ जैसे बढ़ेगा वैसे आपके यहाँ तरक्की होती रहेगी। बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है ये वास्तु के हिसाब से, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर रखें। इस लिस्ट का दूसरा पौधा है ये पान का पौधा। इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। पान के पौधे को लगाने से आपके घर में हर नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, आपके घर में सुख खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं, पैसे की कभी तंगी नहीं होती है। और ये पौधा आपके हर शुभ कार्य में इसकी पत्तियाँ यूज होती हैं, इसलिए आप इस पौधे को ज़रूर लगाइए। वातावरण को शुद्ध रखता है, इसकी हरी भरी पत्तियाँ देख के मन बिल्कुल खुश हो जाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर लगाइए। आपके तनाव को भी ये पौधा कम करता है, आप इसे अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। ये दूसरे नंबर का पौधा। तीसरे नंबर के पौधे के बारे में बात करते हैं। तीसरे नंबर का पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट के पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। आप इसको कटिंग से नर्सरी से ला के कहीं से भी आप लगा सकते हैं। इसको पानी में ग्रो करिए या मिट्टी में, आपकी मर्जी है, पर पानी में ग्रो करना इसको ज़्यादा फलदायी माना जाता है। और इसको ऊपर की तरफ चढ़ते हुए लगाइए, कोई मोस्टिक का सहारा दे दीजिए जिससे ये ऊपर की तरफ चढ़े, तो ये घर में तरक्की की निशानी होती है, इसलिए आप इसे अपने घर में पूरब और दक्षिण के कोने में ज़रूर रखें इसे, ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे और हमेशा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की आपकी होती रहे। इसकी बोल कहते हैं कि इसकी जितनी हरी भरी पत्तियां होती है उतना घर में धन वैभव का वास होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो ये पौधा आपका तीसरे नंबर का रहा। चौथे नंबर का पौधा है ये क्रेसला वाटा, जिसे जेट प्लांट भी कहते हैं। ये छोटा मिनिएचर वाला और ये बड़ा वाला, इसे भी आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। फेंगशुई के हिसाब से ये पौधा चुंबक की तरह पैसों को खींचता है, इसलिए आपको ये पौधा ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए। इसकी पत्तियाँ थोड़ी मोटी सी होती हैं, देखिए तो बिल्कुल क्वाइन जैसे लगते हैं, इसलिए इसको भी मनी प्लांट के ही जैसा शुभ माना जाता है। इसलिए आपको इसके मतलब इस पौधे को अपने घर में रखना ज़रूरी होता है और वास्तु दोष को ये दूर रखता है। ये चौथे नंबर का प्लांट। पांचवे नंबर का प्लांट पीस लिली का कहा जाता है कि बहुत अच्छा शुभ पौधा होता है ये पीस, मतलब कि ये बहुत फलदायी प्लांट होता है। ये आपके घर के हानिकारक गैसों को सोख करके वातावरण को शुद्ध रखता है और आपके वास्तु दोष को भी दूर करता है, इसलिए इस प्लांट को अपने घर में आप ज़रूर लगाइए। ये रहा पांचवे नंबर का प्लांट। अब छठे नंबर की बात करते हैं। ये छठे नंबर का प्लांट, इसे कहते हैं स्नेक प्लांट। इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए ताकि आपके घर में सुख संपदा वैभव का वास रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसलिए स्नेक प्लांट को ज़रूर लगाइए। ये जितने प्लांट हम आपको बताए हैं आप अपने घर में लगा के इनसे लाभ उठा के अपने घर में सुख शांति वैभव का वास बना सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। इसी कामना के साथ थैंक यू।